में लगी हुई है। एक हिंदू रेजिडेंट गोविंद साहा ने ढाका ट्रिब्यून को बताया कि आर्मी के अलावा पॉलिटिकल पार्टीज बीएनबी और जमात इस्लामी के लोग भी रात को उन्हें बचाने के लिए आए थे, बांग्लादेश। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये तक कह दिया कि अगर माइनॉरिटीज पर हमले नहीं रुके तो ये रिजाइन कर देंगे। बांग्लादेश के जो हिंदूज हैं उनको बचाने की जरूरत है इंडिया के उन हिंदू एक्सट्रीमिस्ट से जो ये प्रोपोगंडा फैला रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदू सेफ नहीं है। इंडिया के सबसे बड़े चैनल मैं कहूँगी, उन्होंने जो गोदी मीडिया है उसको एक्सपोज करना स्टार्ट कर दिया है। इंडिया किस तरह बांग्लादेश में मौजूद हिंदू के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करके बांग्लादेश का एक नेगेटिव इमेज दुनिया को दिखा रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर माइनॉरिटीज़ को कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं जो इस चीज़ से बखूबी आगाह है, अवेयर्ड हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदूज़ हैं वो सेफ हैं और एज सच वो इश्यूज़ नहीं हैं जो इंडिया में मुस्लिम्स को फेस करना पड़ते हैं। अभी आप लोगों से रिपोर्ट शेयर करेंगे इंडिया का सबसे बड़ा चैनल दरुद राठी, उन्होंने गोदी मीडिया के बारे में क्या कहा है कि किस तरह फेक रिपोर्टिंग करता है गोदी मीडिया और बांग्लादेश का नाम ख़राब कर रहा है। अब ये रिपोर्ट देखेंगे, वीडियो आप लोगों ने आखिर तक देखनी है। वीडियो देखने से पहले चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब और वीडियो को लास्ट में लाइक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। राणा दास गुप्ता जो बांग्लादेश में रिलीजियस माइनॉरिटीज की एक संस्था को लीड करते हैं, उन्होंने कहा कि कम से कम 97 घरों और दुकानों पर अटैक हुए हैं और 10 मंदिरों को वैंडलाइज किया गया है। इसमें 100 से ज्यादा हिंदू जख्मी हुए हैं और कम से कम 2 आम हिंदू मारे गए हैं। म्यूजिशियन राहुल आनंद के घर पे भी अटैक हुआ और उनके 3000 हैंडीक्राफ्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आग में जल गए। बांग्लादेश आर्मी और पुलिस इन हमलों को रोकने के प्रयास में लगी हुई है। एक हिंदू रेजिडेंट गोविंद साहा ने ढाका ट्रिब्यून को बताया कि आर्मी के अलावा पॉलिटिकल पार्टीज बीएनबी और जमात इस्लामी के लोग भी रात को उन्हें बचाने के लिए आए थे। बांग्लादेश के इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनुस ने भी माइनॉरिटीज पर होने वाले इन हेनियस अटैक्स को कंडेम किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग एंटी कोटा प्रोटेस्ट के उन सभी एफर्ट्स पर पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार फेल नहीं होना है। इन्होंने कहा कि हिंदू, बौद्ध और ईसाई परिवारों को बचाओ, ये हमारे भाई हैं, कोई इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये तक कह दिया कि अगर माइनॉरिटीज पर हमले नहीं रुके तो ये रिजाइन कर देंगे। किसी भी देश के लीडर से ऐसी ही उम्मीद होनी चाहिए कि वो सेक्युलरिज्म की राह अपनाए, वरना अगर किसी देश का प्रधानमंत्री रिलीजियस पॉलिटिक्स करने लगे, नफरत फैलाए, तो उससे ज्यादा घटिया इंसान कोई हो नहीं सकता। हजारों हिंदुओं ने ढाका और चट्टोग्राम में मैसिव प्रोटेस्ट रैलीज निकाली, ये डिमांड करते हुए कि उनके घरों, दुकानों, मंदिरों की सुरक्षा की जाए। नारे लगाए गए कि हम कौन, बंगाली बंगाली। उनके साथ हजारों मुस्लिम प्रोटेस्टर्स भी सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करते हुए दिखे। अब इस सब वायलेंस में इंडिया का गोदी इकोसिस्टम झूठी खबरें फैलाकर हिंसा भड़काना चाहता है। एक से बढ़कर एक झूठी खबर फैलाई इन्होंने। ये देखिए, ये ट्वीट फेक था, ये खबर फेक थी। हिंदू क्रिकेटर के घर पर आग लगना फेक था, ये खबर भी फेक थी, ये वीडियो भी फेक था। ऐसी सेंसिटिव सिचुएशन में सच्ची खबरें दिखाकर लोगों को जागरूक भी तो कर सकते हो, लेकिन नहीं, ये लोग ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनका असली मकसद है हिंदुओं के अंदर डर फैलाना। दुनिया में कहीं कुछ भी हो, इनका एक ही एजेंडा है कि हिंदुओं को खतरे में दिखाओ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ। और इसका नतीजा हुआ है ये, गाजियाबाद में इन दंगाइयों ने कुछ लोगों के टेंटों पर आग लगा दी, उन्हें बांग्लादेशी करार करते हुए। सिंपल सी बात है दोस्तों, जो इन नफरती चिंटुओं के दिमाग में घुसती नहीं है कि कॉम्युनल वायलेंस को रोकने का सोल्यूशन। जी, रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, दरुद राठी बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस, उनकी तारीफ कर रहे हैं कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर को ऐसे ही होना चाहिए कि अगर मैं ये ना कर सकूं तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। इतनी अखलाकी जुर्रत एक प्राइम मिनिस्टर के अंदर होनी चाहिए कि अगर वो अपनी जिम्मेदारी पे पूरा नहीं उतरता तो वो रिज़ाइन कर दे। इतनी जुर्रत, इतनी अखलाकी जुर्रत जो है मोदी में नहीं है। ये बांग्लादेश की तारीफ करने वाले दरुद राठी, इन्होंने गोदी मीडिया को एक्सपोज किया कि बहुत सारी न्यूज़ बिला वजह उठा के, फेक न्यूज़ बना के दुनिया के सामने उनको पेश किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले तो वो तमाम इंडियंस जो इन न्यूज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं और फिर बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं, तो वो हमेशा बांग्लादेश के हवाले से एक नेगेटिव जो रिमार्क्स है, एक नेगेटिव ओपिनियन जो है वो शेयर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इंडियंस जो हैं वो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा
प्रचार कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू सेफ नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको अपनी कंट्री के अंदर देखना चाहिए कि उनकी अपनी कंट्री के अंदर मिनोरिटीज़ की क्या सिचुएशन है। वेल जी, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा है कि ध्रुव राठी जैसे बंदे ने बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनस की तारीफ की है कि वो कितने ज़्यादा लॉयल हैं अपने लोगों के साथ, और उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि अगर मैं मिनोरिटीज़ को तहफ़ ना दे सकूं तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, मैं मुस्तफ़ी हो जाऊंगा। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को लास्ट में लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का।